सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एस ए मेडिसिन नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस ए मेडिसिन नॉलेज आज बात करेंगे रेनिटीन टेबलेट की जिसके यूज डोज बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें इससे पहले बात करते हैं रेनिटीन टेबलेट के कुछ प्रमुख ब्रांडों की रेनी टेबलेट का सबसे फेमस ब्रांड नेम है एसीलाक। लाक इसके अलावा जाइनाल टेबलेट और जिनटे टेबलेट इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब बढ़ते हैं रेनी टेबलेट की यूज की तरफ इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए रेनी टेबलेट का सबसे प्रमुख यूज है जी ई आर डी इसके लक्षण जैसे आहार नाल में जलन होना सीने में दर्द होना और कुछ पेट के पार्टिकल गले के रास्ते में जाना तो इसको भी ट्रीट करने के लिए रेनी टेबलेट का यूज किया जाता है अब बढ़ते हैं इसके अगले यूज की तरफ इसका अगला यूज है एंटीबायोटिक टेबलेट के साथ डाक्टर द्वारा रेनीटिडिन टेबलेट को भी दिया जाता है जिससे कि एंटीबायोटिक से बनने वाली गैस को रोक सके और पेशेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े अब बढ़ते हैं इसके अगले यूज की तरफ गैस बनना जिसे सामान्य रूप से पेट फूलना कहते हैं इसको भी ट्रीट करने के लिए रेनिटिडिन टेबलेट का यूज किया जाता है अब बढ़ते हैं इसके अगले यूज की तरफ इसका अगला यूज है गैस के कारण सिर में दर्द होना तो इसको भी ट्रीट करने के लिए रेनीटिडीन टेबलेट का यूज किया जाता है इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार किसी अन्य बीमारी में रेनीटिडीन टेबलेट को दे सकते हैं अब बढ़ते हैं रेनीटिडीन टेबलेट के डोज की तरफ रेनीटिडीन टेबलेट मार्केट में एक सौ पचास मिलीग्राम और तीन सौ मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है रेनीटिडिन टेबलेट को सामान्य रूप से दिन में एक बार 150 मिलीग्राम की टेबलेट खाने से पहले दी जाती है और इसके अलावा यदि एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ रेनी टेबलेट को दिया जाए तो सुबह शाम 150 मिलीग्राम की टेबलेट या 300 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम भी दी जाती है रेनी टेबलेट प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेशन मदर दोनों में सेफ है ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती अब बढ़ते हैं रेनिटीन टेबलेट के साइड इफेक्ट की तरफ वैसे रानीटडीन टेबलेट के किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं देखे हैं फिर भी जो कामन साइड इफेक्ट होते हैं उनमें से नोजिया वोमिटिंग हेड स्लिपनेस इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट दिखे तो ये दवा बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि रेनीटडीन टेबलेट की रेनी जगह पर किसी दूसरी टेबलेट का यूज किया जा सके और किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट का सामना न करना पड़े तो ये थी दोस्तों रेनी टेबलेट की कुछ सामान्य सी जानकारी यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद